नमस्ते आदाब सत श्री अकाल। और आज हम आपको एक ऐसी एक एनर्जी भरी एक सफ़र में लेकर जाने वाले हैं और वो है सफ़र है गोवा की। तो हम आगे आपको दिखाएंगे गोवा का पूरा नज़ारा व्यू। तो हमारे ग्रुप के साथ हम चल पड़े हैं गोवा की सफ़र में और यहाँ हम अहमदाबाद स्टेशन है कालूपुर का, वहाँ पे हम ट्रेन की वेट कर रहे हैं और 22908 नंबर की ट्रेन है हमारी, उड़ती है और जो मड़गांव जाती है। ओके, तो चलिए मेरे साथ बने रहिए मेरे इस ब्लॉग में। Approximately 10 hours later. तो अभी क्रॉसिंग मिला है गाड़ी को, हमारी ट्रेन को। तो अभी इस धूप में कहीं छाव खोजते खोजते हम यहाँ खड़े हैं। तो हेलो गाइस, अभी अंजनी स्टेशन पे हमारी ट्रेन रुकी है और जो रत्नागिरी से 100-150 किलोमीटर दूर है और यहाँ से गोवा 370 किलोमीटर दूर है। तो अभी ट्रेन यहाँ पे कोई क्रॉसिंग मिला होगा तो अभी रुकी है, तो कुछ लेजी सा टाइम बीत रहा है। अभी कुछ ऐसा गर्मी का माहौल ज़्यादा है, अभी 2:30 बजे और काफ़ी हमारे दोस्तों के साथ चिल कर रहे हैं अभी बैठ के। हमारे किरण भाई ऐसे चिल करते रहते हैं हमारे साथ, और भी दोस्त हैं लेकिन वो सामने बैठे हैं और वो भी अभी बुक रीडिंग कर रहे हैं एक दोस्त, और एक दोस्त मोबाइल में बिजी है तो उन लोगों को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं अभी, और ऐसे ही हम बैठ के चिल करते हैं। चलो बाहर के एटमोसफियर दिखाते हैं हम क्या क्या है, बाहर कैसा है नज़ारा यहाँ। और पर्वतों के बीच से हमारी ट्रेन गुजर रही है तो यहाँ पे पर्वत और नदी दोनों का समन्वय और बीच में से हमारी ट्रेन गुजरती हुई। चलो दिखाते हैं। सफ़र में कई अजीब नाम देखने को मिले, उसमें से एक अजीब नाम था बोके, वन ऑफ द बेस्ट अजीब नाम। तो गाइस अभी एक स्टेशन का नाम है बोके, यहाँ लगता है कुत्ते ज़्यादा भौंकते होते होते नाम होगा बोके। बहुत बहुत फनी सा नाम है, मुझे तो बहुत ही अजीब लगा। तो हेलो गाइस, नमस्ते। एनर्जेटिक गोवा टूर में आप सबका स्वागत है और अभी हम मड़गांव रेलवे स्टेशन पर अभी उतरे हैं और यहाँ से हमारी गाड़ी जो शिफ्ट है वो भी कार रेंटल जो चंद्रकांत भाई है वो भी आ रहा है इधर और हमको पिकअप करने के लिए। तो अभी हम गाड़ी का इंतज़ार कर रहे हैं और काफ़ी लंबा सफ़र रहा हमारा, 2 घंटा डिले था हमारा ट्रेन, तो इसलिए हम थोड़ा ऐसा रहे। चलो हमारी गाड़ी आ चुकी है। और तो गाइस हमको स्टेशन से पिकअप करके वो हम उनकी ऑफिस पर ले गए और वहाँ से हमको गाड़ी लेना है। तो गाइस कभी भी आप गाड़ी लिए रेंटल पर तो उनका चारों ओर से वीडियो निकाल दीजिए HD में और फोटो भी निकाल लीजिए, स्केच वगैरह आपको देखने को मिले तो वो वाह, आप ऐसा वीडियो एकदम जूम करके लीजिए और चारों ओर से कहीं भी रह ना जाए ऐसा कोई पार्ट। वैसे देखो ये नीचे स्क्रैच दिख रहा है तो वैसे मैं एक जूम करके लेता हूँ तो उससे क्या रहता है कि कभी कार रेंटल ओनर और जो हम ले रहे ग्राहक हम कस्टमर है तो उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि भविष्य में क्या हो हम 4-5 दिन के बाद आएंगे तो हमने वीडियो नहीं निकाला रहता तो उसमें क्या होता है कि वो बोलेगा कि यहाँ स्क्रैच नहीं था तो ये पड़ा है तो उसके पैसे अलग से दो। तो ऐसा इश्यू ना बने उसलिए दोस्तों ये वीडियो बनाना बहुत ही ज़रूरी है। तो ऐसे करके पूरा चारों ओर से वीडियो निकालो और ऐसे करके आप घूमो पूरा गोवा और इन्जॉय करेंगे।
1 hour later. तो हाय गाइस, मिलते हैं आगे की नई गोवा सीरीज में। तो यहाँ अटल सेतु ब्रिज और हम कार लेके यहाँ से निकल चुके हैं और पेंजिम यहाँ से नज़दीक है और यहाँ से कलंगुट यहाँ से 12 किलोमीटर है। चलिए आगे और नए सवेरे में मिलते हैं नए ब्लॉग में।